हेलो दोस्तों, 2018 में आई स्त्री मूवी का सीक्वल और इस साल की मोस्ट अवेटेड हॉरर कॉमेडी मूवी स्त्री 2 थिएटर्स में रिलीज हो गई है, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था। स्टारिंग राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी एंड अपार शक्ति खुराना, डायरेक्टर बाय अमर कौशिक। तो कैसे है ये मूवी, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल में नए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर हिट करना ना भूलिए। मैं हूं अजय, आपका स्वागत करता हूं चैनल में। विदाउट वेस्टिंग फर्दर डू, लेट्स जंप टू रिव्यू। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर राजकुमार राव स्त्री के डर से चंदेरी गांव को छुड़ाते हैं और श्रद्धा कपूर स्त्री की चोटी साथ में लेकर चली जाती है। लेकिन स्त्री के जाने के बाद चंदेरी गांव में सरकटे नाम के शैतान का आतंक शुरू हो जाता है। अब ये सरकटा कौन है, क्या राजकुमार राव इसके आतंक से फिर से अपने गांव को, अपने लोगों को छुड़ा पाते हैं या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको स्त्री 2 ये मूवी देखनी पड़ेगी। कुल मिलाकर 2 घंटे 15 मिनट का इस मूवी का रन टाइम है और ये मूवी आपको लास्ट तक एज ऑफ द सीन बांध कर रखती है। फास्ट स्क्रीन प्ले आपको कहानी के बारे में क्यूरियस बनाए रखता है। आमतौर पर हॉरर कॉमेडी मूवीज में हॉरर और कॉमेडी का बैलेंस बरकरार रखना चैलेंजिंग होता है, पर स्त्री 2 ये मूवी इस मामले में वेल बैलेंस नजर आती है। कुछ सीन्स तो ऐसे हैं जहां पर हम डरते डरते हंसते हैं और हंसते हंसते डरते हैं। एक हॉरर कॉमेडी फिल्म के लिए भी जो भी मसाला ज़रूरी होता है वो सब कुछ इस फिल्म में है, और साथ ही एक अच्छा मैसेज भी देने की हल्की कोशिश की गई है। बेहतरीन वन लाइनर्स, बेहतरीन स्केरी सीन्स और बेहतरीन कॉमिक पंचेस इस मूवी को पहले पार्ट से इवन स्केरी, इवन कॉमिक और इवन एंटरटेनिंग बनाता है। और एक चीज़ जिसने मुझे ज़्यादा इम्प्रेस किया है वो इसके विजुअल्स इफेक्ट्स, जो देखने में मज़ेदार लगते हैं। फिल्म में कुछ बेहतरीन कैमियोज देखने मिलते हैं एंड ऑफकोर्स तमन्ना भाटिया का डांस नंबर। परफॉर्मेंस वाइज भी सभी ने अपना काम बखूबी से निभाया है। स्पेशली राजकुमार राव प्रूव वंस अगेन दैट ही इज आउटस्टैंडिंग। पंकज त्रिपाठी एंड अभिषेक बैनर्जी इज द अनदर ओएसपी ऑफ दिस फिल्म, जिनका स्क्रीन प्रेजेंस आपको एंटरटेन जरूर करता है। जिस तरह से डायरेक्टर ने कहानी को हमारे सामने प्रेजेंट किया है वो काबिले तारीफ है। अमर कौशिक ने कहानी को कुछ इस अंदाज से सामने रखा है कि हम आखिर तक उससे जुड़ पाते हैं। स्त्री मूवी में जो सवाल हमारे दिमाग में छोड़ दिए थे उनके जवाब काफ़ी हद तक हमें स्त्री 2 में देखने मिलेंगे, और कुछ सवाल इस बार भी मेकर्स ने अधूरे छोड़ दिए हैं, जिस वजह से इसके आने वाले पार्ट्स के लिए हमारी क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। और हाँ, फिल्म खत्म होने के बाद घर जाने की जल्दी ना करना, क्योंकि आपके लिए पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी है, ये ना कहना कि बाद में बताया नहीं। ऑल इन ऑल स्त्री 2 एंटरटेनमेंट का एक कंप्लीट पैकेज है जो हमें 101% एंटरटेन करती है, जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। आई विल गो विथ 4 स्टार्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।